हेलो एंड वेलकम टू डब्ल्यू एस क्यू टेक। मैं हूं बीके सिंह और आज इस मैटलैब ट्यूटोरियल में हम देखने वाले हैं सिंबॉलिक वेरिएबल्स के बारे में। तो जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है सिंबॉलिक वेरिएबल, हम क्या करते हैं किसी भी वेरिएबल को एज अ सिंबल असाइन कर देते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं मैटलैब प्रोग्रामिंग के अंदर, तो इसलिए इसका नाम है सिम्बॉलिक वेरिएबल। तो चलिए देख लेते हैं इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं मैटलैब के अंदर। तो अगर मैं मैटलैब के अंदर की बात करूँ तो अगर मुझे सिम्बॉलिक नंबर्स क्रिएट करना हो तो उसके लिए जो फंक्शन यूज़ में आएगा वो आएगा SYM। तो यहाँ पे देख सकते हैं SYM फंक्शन है जिसके थ्रू हम सिंबॉलिक वेरिएबल्स या सिंबॉलिक नंबर्स क्रिएट करते हैं। तो सिंबॉलिक नंबर्स है क्या? तो सिंबॉलिक नंबर्स आर एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन अनलाइक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। तो जस्ट एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन है किसी भी नंबर का। तो यहाँ पे देखिए क्रिएट अ सिंबल सिंबॉलिक नंबर बाई यूजिंग SYM एंड कंपेयर इट टू द सेम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। तो यहाँ पे आपका सपोज यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि SYM 1/3 लिखा हुआ है, तो इसका अगर मैं आंसर देखूँ जैसे मैटलैब पे रन करूँगा तो ये आंसर आ जाएगा 1/3। क्यों? क्योंकि ये 1/3 कोई कैलकुलेशन नहीं है, जस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंबल है, तो इसका नाम दे दिया SYM 1/3, तो ये 1/3 ही रन हो जाएगा। रन होने के बाद आउटपुट में 1/3 आएगा। लेकिन जब हम नॉर्मली रन करते हैं किसी भी नंबर को, तो सपोज 1/3 को रन करेंगे तो ये डिवाइड होके हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आ जाएगा। बट हम चाहते हैं कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर एज ए सिंबल ही यूज़ हो, तो उसके लिए हम सिंबॉलिक फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो इसको अगर मुझे यूज़ करना हो तो चलिए कमांड विंडो पे चलते हैं मैटलैब के ऊपर और वहां देखते हैं कि हम इसको कैसे रन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं लिख रहा हूँ SYM और 1/3 और फिर इसको एंटर करता हूँ, तो कमांड विंडो के अंदर एंटर करते ही रन हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही मैंने एंटर किया ये आंसर आ गया हमारे पास 1/3। तो ये जस्ट सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन अगर मैं सिंपल सा 1/3 एंटर करता तो इसका आउटपुट जो आता वो डिवाइड होकर आ जाता, दैट इज 0.333। तो ये हमारे पास अप टू 4 डेसिमल डिजिट है, ये आगे भी चलता रहेगा। तो इस तरीके से हम सिंबॉलिक वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। तो सपोज SYM कोई और नंबर लेके देखते हैं, सपोज़ हम कर देते हैं 1/25 कर देते हैं और एंटर करते हैं, तो ये हमारे पास आंसर 1/25 ही आएगा। लेकिन हम जब नॉर्मली 1/25 करेंगे तो ये हमें मैटलैब ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन करके दे देगा 1/25 का फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, तो ये आता है हमारे पास 0.400। तो इस तरीके से जो सिंबॉलिक नंबर हमने क्रिएट किया, तो सिंबॉलिक नंबर का क्या फ़ायदा हुआ कि हमें ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर नहीं दे सके, वो डायरेक्ट एज इट इज़ आपको वैल्यू दे देगा। जैसे कि अगर हम मैट्रिक्स क्रिएट करते हैं जिसके अंदर हमें सिंपल सी सिंबल सी यानी कि हमें डिवीजन वैल्यूज़ नहीं चाहिए, तो डिवीजन वैल्यू को इग्नोर करने के लिए हम सिंबल वैल्यू को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं PPT के अंदर। ये देखिए जो सेकेंड है इसके अंदर हम देखते हैं कि अगर मुझे सिंबॉलिक वेरिएबल्स को क्रिएट करने के दो तरीके हैं। यहाँ पे देखिए एक है फंक्शन SYM और दूसरा है हमारे पास SYMS। तो SYM क्या करता है, क्रिएट नंबर सिंबॉलिक वेरिएबल। SYM क्रिएट नंबर्ड सिंबॉलिक वेरिएबल्स, वेयर एज SYMS कमांड क्या करता है, इट विल क्रिएट अ फ्रेश सिंबॉलिक वेरिएबल फॉर इंटरैक्टिव सिंबॉलिक वर्कफ्लोज, दैट इज फॉर सिंबॉलिक वेरिएबल क्रिएशन एट द मैटलैब कमांड लाइन और इन मैटलैब लाइव स्क्रिप्ट। तो ये दोनों का फंक्शन सेम है, बट SYMS कमांड क्या करता है, ये नया सिंबॉलिक वेरिएबल क्रिएट कर देता है फॉर इंटरैक्टिव सिंबॉलिक वर्कफ्लोज। तो ये दोनों में हम डिफरेंस अभी देखेंगे। अगर हमारे पास इस टाइप का कोई फंक्शन आ जाए, सपोज देखिए द सिम्स कमांड इज अ शॉर्ट हैंड ऑफ द सिम, यानी इसी का शॉर्ट हैंड है SYMS कमांड, बट द टू फंक्शंस हैंडल assumptions डिफरेंटली। दोनों का assumptions अलग अलग होता है और उसको हैंडल भी अलग अलग तरीके से करते हैं। सपोज एग्जाम्पल दिया हुआ है क्रिएट द सिम्बोलिक वेरिएबल एक्स एंड वाई यूजिंग SYM एंड SYMS functions रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास दिया है SYM एक्स और वाई इक्वल्स टू SYM और वाई दिया हुआ है। तो चलिए इन दोनों फंक्शन को रन करते हैं और फिर हमारे पास क्या आउटपुट आता है हम उसको चेक करते हैं। तो हम मैटलैब विंडो पे वापस आ चुके हैं, एक बार स्क्रीन क्लियर कर देते हैं और हम फंक्शन यूज लेते हैं SYM S और X और फिर एंटर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए
एक्स जो क्या है, एक सिंबॉलिक वेरिएबल आ गया जिसके अंदर 1x1 का सिंबल बना हुआ आ गया। इसके अंदर वैल्यूज कुछ भी नहीं है, तो इसलिए हमें कोई वैल्यू शो नहीं होगा। बस ये शो ये हो रहा है कि ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, जहाँ पे देखिए इसका जो सिंबल है आप देखिएगा ये यहाँ पे दिख जाएगा। उसी तरीके से अगर मैं यहीं पे y इक्वल्स टू एस वाई एम और सिंगल कोट के अंदर y लूँ और फिर एंटर करता हूँ, तो हमारे पास y इक्वल्स टू y आ जाएगा। तो दोनों फंक्शन में आप देख सकते हैं कि ये सिंबॉलिक फंक्शन रिप्रेजेंटेशन है और y भी हमारा दोनों सिंबॉलिक फंक्शन रिप्रेजेंटेशन है, यानी दोनों के अंदर वैल्यूज हमारा सिंबल टाइप ही है, जस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंबल्स है। तो एस वाई एम एस का रिप्रेजेंटेशन x आया, इसके अंदर कोई भी आउटपुट नहीं आया, जस्ट ये रिप्रेजेंट किया। बट इसके अंदर हमारे पास आउटपुट भी आ रहा है क्योंकि सिंबॉलिक फंक्शन y को हमने रिप्रेजेंट किया है एज ए y। तो इस तरीके से हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। अगर मुझे नेमिंग करना हो जिसके अंदर मुझे a 1 से लेकर 20 तक वेरिएबल को असाइन करना हो, तो उसके लिए ये बहुत ही यूजफुल है। सपोज चलिए मैं लिख के बताता हूँ आपको, a इक्वल्स टू सपोज मैं लिख देता हूँ एस वाई एम और इसके अंदर मैं वेरिएबल ले रहा हूँ a और इसके अंदर जो वैल्यूज मुझे 1 टू 20 चाहिए, तो 1 स्पेस 20 लगा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए स्क्वायर ब्रैकेट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है कि ये 1 टू 20 रोज हैं, 1 रोज एंड 20 कॉलम्स हैं, तो 20 कॉलम्स आपको ये नेमिंग दे देगा। तो चलिए मैं इसको रन करता हूँ। तो रन करते ही आप देखिए ए 1 से लेके ए 20 तक यहाँ पर डिस्प्ले हो गया। तो हमें बार बार इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ए 1 ए 2 ए 3 ए 4 ए 5, यानी वेरिएबल रिप्रेजेंटेशन को हम अगर सिमिलर टाइप के वैल्यूज़ हैं उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली एस वाई एम फंक्शन का यूज़ करके, सिंबॉलिक फंक्शन का यूज़ करके आप इसको असाइन कर सकते हैं। तो मैट्रिक्स में भी अगर मुझे कोई मैट्रिक्स क्रिएट करना हो 2x2 का और उसके अंदर मुझे ए 1 ए 2 ए 3 ए 4 मार्क करना हो, तो वो भी मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। तो सिमिलरली अगर मैं दूसरा लेता हूँ वेरिएबल बी इक्वल्स टू हम ले रहे हैं एस वाई एम एस और यहाँ पे ले रहे हैं सेम कमांड ए और उसके अंदर सेम वेरिएबल असाइन कर रहे हैं 1 से 20 और फिर एंटर कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एस वाई एम फंक्शन था और यहाँ पे एस वाई एम एस फंक्शन है, तो ये दे रहा है कि टू मैनी आउटपुट आर्गूमेंट, यानी कि ये एज अ सिंबल नहीं ले रहा है क्योंकि सिंबल हमने क्या किया, सिंबल का रिप्रेजेंटेशन एक के साथ हमने 2 दे दिया। तो इसके साथ क्या हुआ कि अगर हम सिंगल देते ए डैश तो हमारे पास सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आ जाता। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं यहाँ से ये सारी चीज़ें हटा दूँ और फिर एंटर करूँ, तो आप चेक कर सकते हैं कि टू मैनी आउटपुट आर्गूमेंट्स, अगेन टू मैनी आउटपुट आर्गूमेंट्स दे रहा है। तो सिंगल कोट को अगर मैं हटा दूँ और फिर यूज़ करूँ, फिर भी टू मैनी आउटपुट आर्गूमेंट्स दे रहा है। तो इस तरीके से एस वाई एम एस का जो यूज़ है उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हमने जो लिया था एस वाई एम एक्स और स्पेस ए, तो इसका सिंटेक्स इस टाइप से है। तो आप सिंटेक्स दे सकते हैं एस वाई एम एस जो वैल्यूज़ हैं वर्क स्पेस में ए के अंदर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आ गया। तो इस तरीके से हम एस वाई एम एस का जो सिंटेक्स है उसको याद रखना है और इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है उसको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं यूजिंग एस वाई एम फंक्शन। तो मेनली ये इसका जो यूज़ होता है, मैं एक बार इसको क्लियर कर देता हूँ और क्लोज कर देता हूँ। तो चलिए अब सारे वेरिएबल क्लियर हो गए, अब वेरिएबल है नहीं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे सिम फंक्शन लेके वापस से यूज़ कर रहा हूँ नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स को। तो नंबर ऑफ रोज मैं 1 ले रहा हूँ और नंबर ऑफ कॉलम्स 5 ले रहा हूँ और इसके अंदर भी हम वेरिएबल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं ए इक्वल्स टू एस वाई एम बी ले रहे हैं इसके अंदर सिंगल कोट के अंदर और बी के अंदर हम जो वैल्यूज असाइन करेंगे वो 1 से लेके 5 तक कर रहे हैं और फिर हम इसको एंटर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये ऑटोमेटिकली सारे वैल्यूज 1 to 5 असाइन हो गए बी वेरिएबल को। तो ये तो था सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, इसको और एक्सप्लोर आप कर सकते हैं। जैसे आप मैथमेटिकल फंक्शंस में यूज़ करेंगे वैसे वैसे आप इसको यूज़ करके एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।